राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर मैं पंडित अरविंद तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा करते हैं हम एक खास विषय के बारे में, कर्जा। कर्जा आज के समय में इंसानी जिंदगी की बड़ी अहम जरूरत है। जबकि हम बात करें अपने बुजुर्गों की, तो वह लोग कर्ज लेने से गुरेज करते थे। कहते थे कर्जा मत लेना, चाहे रात को भूखे सो जाना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, समय के बदलाव में आज कर्ज एक सामान्य सी बात हो गई है। हमें कोई भी जरूरत हो, कोई भी चीज हमने परचेज करनी हो, चाहे कई बार हम समर्थ ही होते हैं उस चीज को लेने में, मान लीजिए कोई मोबाइल ही लेना, 40-50 हजार का मोबाइल लेना, तो कई लोग समर्थ होते हैं कि वो 40-50 हजार रुपया खर्च सकते हैं कैश, लेकिन वह भी ईएमआई करवा लेते हैं। तो कर्ज के जाल में इंसान इतना फंस चुका है कि वह चाहकर भी आने वाले समय में इससे निकल नहीं पाएगा। यानी कि हमारी जिंदगी, पूरी जिंदगी निकल जाएगी और हम कर्ज से मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो कर्ज है ना, कर्ज हमेशा ये चीज मान के चलिए कि ये राहु की वस्तु है। कर्जा हमेशा राहु से देखा जाता है, क्योंकि उसके बाद आपका खून चूसा जाता है, आपसे ब्याज लिया जाता है, आपको तरह तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है, किसी बैंक के द्वारा, किसी फाइनेंसर के द्वारा, या कोई वैसे ही फर्म हो जो कर्ज देती हो। जिन लोगों के साथ ये बीता है वो अच्छी तरह जानते हैं। तो कर्ज, मैं तो यही कहूंगा कि चाहे दो रोटी कम खा लीजिए, लेकिन कर्ज के जाल में मत फंसिए। खास तौर पर कुछ ग्रह चाल वाले लोग तो बिल्कुल भी कर्ज ना लें। जो देखने में हमारे अनुभव आए हैं, ये लोग सारी उम्र कर्ज से फिर मुक्त नहीं हो पाते। यहां तक कि वह अपनी संतान तक के लिए कर्ज छोड़कर मरते हैं। खुद तो कर्ज में जिए ही जिए, आगे इनकी संतान भी इनका कर्ज चुकाती है। तो ऐसे उदाहरण बहुत मिलते हैं समाज में देखने को। तो पैर चद्दर के अनुसार पसारिए। लेकिन पीछे एक फिल्म आई कि मैं चद्दर से पैर बाहर क्यों ना पसारूं। इंसानी जिंदगी में जरूरतें जितनी चाहे बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वह जरूरतें आपको कुछ पल का सुकून और सारे दिन की परेशानी दे, तो मैं कहूंगा कि वह घाटे का सौदा है। अब ग्रह चाल की बात करते हैं। सूरज खाना नंबर 11 में हो, ये लोग कर्जा ना लें। लाल किताब साफ कहती है कि ये लोग अगर कर्ज ले लेंगे तो हो सकता है कि ये आप तो कर्ज भरी जिंदगी जिए ही जिए, अपने संतान के लिए भी कर्ज छोड़कर मरे। क्योंकि शनि और राहु का प्रभाव मिश्रित रहता है, तो इसलिए जब भी शनि के घर में सूर्य आता है तो कर्ज इनके लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि शनि भी फिर यहां पर राहु के जैसा प्रभाव देता है, कर्ज लंबी चलने वाली चीज, छूट ही नहीं पाना। तो शनि महाराज जो चीजें लंबी चलती हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। खाना नंबर 6 में शनि हो तो ये लोग भी अगर कर्ज ले लें तो ताउम्र कर्ज से कई बार छूट नहीं पाते। खाना नंबर 6 में मंगल हो तो ये भी कर्ज में एक बार फंस जाएं तो फिर कर्ज से जल्दी छूट नहीं पाते। खाना नंबर 6 में राहु हो तो यहां पर भी कर्ज से छूटना मुश्किल हो जाता है। खाना नंबर 8 का शनि हो, ये भी अगर इंसान कर्ज ले ले तो दिक्कत में आ जाता है, जल्दी कर्ज उतर नहीं पाता। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर बच सकते हैं तो बच जाएं, फिर बाद में कई बार ना कई चीजों के ऊपर उपाय काम नहीं करते।
क्योंकि कुछ ग्रह चाल ही ऐसी होती हैं। अब सूर्य खाना नंबर 11 में बोल दिया कि कर्ज मत लेना तो मत लेना, बस बात खत्म। अब कर्ज ले लिया फिर उपाय नहीं, ये नहीं है। मान लीजिए कोई हाथ अगर कट ही गया, हाथ कट गया, कहाँ से दूसरा लगा लोगे, नहीं लगा सकते। तो बस यही बात है जो ग्रह चाल मैंने बोली है, इन लोगों को कर्ज लेने से बचना चाहिए। चलिए एक छोटा छोटा उपाय दे ही जाता हूं। अगर आप लोगों के ऊपर कर्ज है, कर्ज आप लोगों के ऊपर है, तो एक काम करिएगा, कर्ज जल्दी उतरेगा। वह काम क्या करना है, आपने जो भी किस्त उतारनी है ना आपकी ईएमआई की है, किसी तरह से कोशिश करिए, कोई ना कोई रास्ता ढूंढिए। रास्ता ढूंढना जरूरी है कि आप वो अपनी किस्त मंगलवार वाले दिन उतारिए जो लोन की ईएमआई देनी है, इससे आपका कर्ज जल्दी उतरेगा, ठीक है। और सड़क पर जो आपको भिखारी बैठे हुए नजर आते हैं ना, जो बिल्कुल बेचारे खस्ता हालत में होते हैं, तो इनको ना एक नारियल आता है जो माता जी को चढ़ाया जाता है, माँ दुर्गा को, जटावारा नारियल बोलते हैं, उसको फोड़ के उसकी गिरी निकाल के खाई जाती है, ठीक है ना। मतलब वो उसमें पानी भी रहता है, उसके अंदर गिरी भी रहती है, तो वो तोड़ के खाई जाती है। तो वो वाला नारियल ना भिखारी को छिलवा कर, छिलवा कर वो नारियल देना है, गिरी खाए वो उसकी, ठीक है। पानी दे सकते हैं तो उसका पानी भी दे दीजिए, इससे भी आपका कर्ज जल्दी उतरेगा। तो बाकी मैंने डिटेल आपको बता ही दी, जो अगर इनमें से कोई ग्रह चाल आपकी, आपके परिवार की, आपके मित्र की, या आपके किसी यजमान की है, तो उससे बोलिए कर्ज मत लेना। अगर ले लिया है तो ये उपाय करके देखिए, प्रभु कृपा करेंगे। तो शीघ्र ही आपको नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर करें, कमेंट जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगले वीडियो तक के लिए राम राम।